हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं घर में ही रखी हुई चीजों से हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जो कि सभी के यहाँ अवेलेबल होती हैं और बहुत ही यमी यमी सा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है ये लैया। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ लैया बोलते हैं और मुरमुरे भी बोलते हैं, लेकिन मुरमुरे हमारे यहाँ नहीं बोलते हैं, आप लोग बोलते होंगे। और यहाँ पर हमने लिए भुंजिया वाली दाल मोठ, ये बेसन की है। और यहाँ हमने पापड़ी वाले सेव लिए हैं और इसमें मूंगफली के दाने भी हैं। अलग से मूंगफली के दाने डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और मार्केट में इजिली मिल जाती है दाल मोठ। और यहाँ पर लिया हमने थोड़े से चने, जिसको हमने अच्छे से इसका छिलका निकाल दिया है, कुछ रह गए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। और करी पत्ता अच्छे से लिया हमने ज़्यादा से, ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है टेस्ट। और ये लाल मिर्च एक चम्मच, आधी चम्मच हींग, एक चम्मच जीरा। और यहाँ पर लिया हमने ये चाट मसाला। और यहाँ लिया है चूरा, जिसको आप लोग पोहा भी कहते हैं, हमारे यहाँ चूरा बोला जाता है। थोड़ा सा हमने लिया है 250 ग्राम करीब। और यहाँ लिए एक कढ़ाई हमने। अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे और कम ऑयल से हम बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी ये दाल मोठ। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। और यहाँ देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें हींग, और हींग डालने के बाद हम डालेंगे इसमें करी पत्ता। और करी पत्ता को अच्छे से हम पका लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए थोड़े कुरकुरे से, क्योंकि दाल मोठ में ज़्यादा सॉफ्ट अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए इसकी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कुरकुरे से हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दाल मोठ सारी, और इसी में हम डाल देंगे चने और इनको हल्का सा हम भून लेंगे। करीब 2-3 मिनट हम भूनेंगे इनको ताकि ये भी थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और इनमें टेस्ट आ जाए। और यहाँ देखिए हमने इन सभी चीज़ों को, यानी दाल मोठ को, हमने अच्छे से भून लिया है करीब 2-3 मिनट। बहुत अच्छे से गर्म हो चुके हैं ये। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसी में एक बड़ा चम्मच ऑयल और डालेंगे, और ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ देखिए ऑयल भी गर्म हो चुका है। हम सरसों के ऑयल से बना रहे हैं और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल मोठ में। अब हम चूरे को डाल देंगे इसी में और अच्छे से इसको भून लेंगे, जब तक कि चूरा फूल नहीं जाता है और क्रिस्पी नहीं हो जाता है तब तक इसको हम भून लेंगे अच्छे से। और चूरा को भूनते समय हमें हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, लगातार चलाना है। लगातार चलाने से चूरा जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से फूल कर क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए, और ये ज़्यादा भी हो जाता है फूल कर, कितना थोड़ा सा हमने डाला था इसमें और कितना ज़्यादा हो गया है, अभी और फूलेगा। और यहाँ देखिए चूरे को हमने भून लिया है और इसमें निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूलकर क्रिस्पी हो गया है ये, और जला भी नहीं। करीब इसको हमने 5 मिनट भूना है, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा भी हो गया है फूलकर। इसको हम निकाल लेंगे। और अब हम फिर से एक चम्मच ये ऑयल डालेंगे इसमें और ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिवाली के समय ये सभी चीज़ें घर में बच जाती हैं, सभी के यहाँ बच जाती हैं, तो हम इसको फेंकेंगे नहीं, ऐसे बनाकर खाएंगे। बच्चे से लेकर बड़े तक बहुत पसंद करेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है उनको, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। यहाँ देखिए ऑयल में धुआं उठने लगा है, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है गैस की फ्लेम को।
बिल्कुल स्लो कर देंगे और हम आधी आधी करके लइया इसमें फ्राई कर लेंगे यानी भून लेंगे। और इसको हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे यानी भूनेंगे। इसको भी हम हाथ नहीं इसमें छोड़ेंगे, मतलब बंद करेंगे, क्योंकि ये भी जल भी सकती है और अगर लगातार हम चलाएंगे तो जलेगी भी नहीं और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। और इस तरह से आप बनाकर खाइएगा, सरसों के ऑयल में ही बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी और ये हेल्दी भी होता है सरसों का ऑयल। और यहाँ देखिए इसको हमने लगातार चलाते हुए क्रिस्पी होने तक भून लिया है और बहुत ही अच्छी ये देखिए क्रिस्पी सी हो गई है। अब हम इसको एक थाली में निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई लइया को हम ऐसे ही भून लेंगे। और यहाँ देखिए हमने लइया को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें सभी चीजों को मिक्स कर देंगे, जैसे कि जो हमने दालमोठ थोड़ी सी रोस्ट करी थी वो इसी में डाल देंगे, और जो चूरा हमने भुना था वो भी हम डाल देंगे इसी में। ये देखिए, और ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला हम ऐसे डालेंगे हाथ से ताकि सभी जगह हो जाए, और इसको थोड़ा सा चला देंगे हम, और चलाने के बाद फिर हम चाट मसाला डालेंगे इसमें। और जितना आपको आवश्यकता हो चख कर देख लीजिए कि मतलब इसमें परफेक्ट है कि नहीं, अगर सही है तो उतना ही डालें आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और इसको हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसी में डाल देंगे ये जो हमने पिसा हुआ मिर्च लिया था, मिर्च का पाउडर, इसको हम डाल देंगे। और इसको भी हम हाथ से ही डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए कुछ इस तरह से, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। काफी अच्छे से मिक्स करना होता है कि हर जगह इसका टेस्ट आ जाए। और यहाँ देखिए ये नाश्ता बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की फुल्की भूख में आप इसको खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। सभी को, बड़े से लेकर छोटे को, सभी को ये बहुत पसंद आती है। अक्सर आपसे डिमांड करेंगे मम्मा यही बनाइए, बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये स्टोर करके आप रख सकते हैं, महीने भर तक खा सकते हैं, खराब नहीं होती है बिल्कुल। और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके ही एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे। अगर ये हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।